जी बिल्कुल, मैं इस वक्त थाना फरोजवाड़ा के इलाका आरफ रोड में मौजूद हूँ। आज एक इमाम मस्जिद के साथ जो मामला पेश आया, इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि आज इमाम मस्जिद का आप दिखाया जा रहा है कि इनके सर भी फटा हुआ है और पूरे जिस्म पे काफी ज्यादा चोटें आई हैं, किस वजह से आई है ये इन्हीं की जबानी सुनते हैं कि ये मामला कैसे पेश आया। जी आप बताइए कि ये मामला कैसे पेश आया। सर बात कुछ यूँ हुई, मैं यहाँ का खतीब हूँ। जुम्मा पढ़ाने के बाद यहाँ पे लंगर करवाया जाता है तमाम अहले मोहल्ला को। लंगर करते दौरान एक जो बच्चा जूता चुरा के भाग गया, उससे पूछा कि बेटा तुमने जूता चुराया? उसने कहा जी मैंने चुराया। मैंने कहा बेटा तुम्हें 50 रुपये देंगे, आप जूता वापस ला दो। 1500 रुपये का जूता जो मजदूर दिहाड़ीदार है, आप समझ सकते हैं क्या मामला होंगे इस पुरफितन दौर में। तो जो है ना सारे मामला किए हैं, वो बच्चा चला गया, खाना खाया, खाना खिला के बच्चे को प्यार किया और बच्चे को भेज दिया जूता लेके आओ। मगरब की अजानों के बाद मगरब की नमाज पढ़ाई है कारी साहब ने, ये मेरे नायब हैं, यहाँ का इमाम है, मैं यहाँ का खतीब हूँ। नमाज पढ़ाने के बाद बच्चों को पढ़ा रहे हैं सबक, यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। वहाँ से वो जो ग्रोह आया, पहले एक लड़का आया के तुसा साढ़े मुंडे ने चोर आख्या, ना कि चोर नहीं आख्या, खुद मनिया भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना पिछों नाल ही उन्होंने 3-4 औरतें आ गई ने, कोठा चलांदियां ने, 4-5 औरतें कट्ठिया हैं, रात का टाइम उन्होंने कारोबार का होंगे, आ गई ने आके उन्होंने कारी साहब मारना शुरू कर दिता है। कारी साहब मारने पीटने तो बाद इतने ही बेयारो मददगार छोड़ के चले गए ने। असी अपील करने के सानू इंसाफ दिता जाए, दूसरे नंबर के उत्ते इन्हों का एक कोठा तो खत्म किया जाए, क्योंकि अहले मोहल्ला कोठे का की मतलब है ताइफा ग्रोह। अच्छा ये ताइफा ग्रोह है जी, जना करवाने वाला। अच्छा अच्छा, तो मोहल्ले वालों ने पहले कोई कंप्लेन नहीं? मोहल्ले वालों ने बहुत ज्यादा कंप्लेन की है, आप देख सकते हैं 45 मिनट बाद जो है ना पुलिस का डाला अभी हमारे रोशनी सिर्फ पड़ रही है कि डाला आ चुका है। यहाँ पे पहले 12 कंप्लेन कर चुके हैं, इनके खिलाफ भी बहुत ज्यादा कंप्लेने की है, लेकिन हमारी कुछ सुनी नहीं जा रही क्योंकि हम पैसे नहीं दे पाते। आप क्या कहेंगे घर से इस मामले में, कैसे मामला पेश आया? मामला ये हुआ कि मेरे पास आया कि बच्चा साथ आया और उसके वालिद हैं, चाचू हैं, जो भी आए हैं साथ, एक लड़का है लेके आए हैं लड़ने के लिए, स्पेशल लड़ने के लिए लेके आए हैं। ना उसको बोलने की तमीज़ है, ना उसको पता कि एक इमाम मस्जिद और एक मुदर्रिस के साथ कैसे बात करनी है। उन्होंने मुझे कहा कि आपने हमारे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बच्चे ने जूता उठाया। मैंने कहा जी बिल्कुल उठाया, आपका बच्चा खुद माना कि हमने जूता उठाया, तो मैंने सिर्फ आपके बच्चे को घर भेजा कि जाओ जूता लेके आओ, मैं आपको इनाम दूंगा जूता अगर आप ला के दोगे। इतनी सी बात हुई है, उस बच्चे ने कहा कि उस लड़के ने कहा जो जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, साथ लेकर आया स्पेशल लड़ने के लिए, उसने कहा कि हमारे बच्चे ने जूता नहीं उठाया, आप हमारे बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, हम आपके साथ तशद्दुद करेंगे। इतनी सी बात हुई है, मैंने उसको कहा कि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है कि एक इमाम मस्जिद और एक मुदर्रिस के साथ बात कैसे करनी है। इतनी सी बात हुई है कि वो अपने आवारा लड़कों को साथ लेकर आ गए और अपने घर वाली औरतों को भी साथ लेकर आए हैं और तशद्दुद किया, डंडे को साथ मारा मुझे। आपने कोई आगे से बात नहीं की या मोहल्ले वाले कोई आपके साथ इधर हो? नहीं मैंने बात नहीं की, मेरे साथ मोहल्ले वाले और मेरे शागिर्द भी साथ हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप। आप इधर मुझे क्या मामला आई है? उन्होंने आप साहब जैसे कहा वैसे ही है, डंडों के साथ ही क्या वैसे ही? पहले वैसे ही आए हैं, लड़का अकेला आया वैसे ही आया, फिर वो मोटरसाइकिल पे गया, बंदे लेके आया, 4 बंदे आए हैं टोटल, उन्होंने डंडे पकड़े हैं, डंडे लेके आए हैं और साथ ही मारने लग गए आप साहब को। हमने छुड़वाया, हमें भी मारने लग गए, मैं आप साहब के घर वाले को इतला देने चला गया और अब वो बाद में आके उन्होंने डंडे मारे हैं। आप मोहल्लेदार हैं जी? हम। आपका क्या कहना है? देखें ये तो धंधा ही गलत है ना, जो यहाँ पे रहते हैं ये है ही गलत है, ये बंद होना चाहिए, हाफ साहब को इंसाफ मिलना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है कि इमाम मस्जिद के साथ ऐसा होगा तो आम बंदे क्या कर सकते हैं वो आम बंदे के साथ, क्योंकि ये है ही गलत चीज़ है, गलत ग्रोह है, गलत चीज़ है, ये बंद होना चाहिए धंधा जो भी करते जी। जैसा कि आपने सुना कि अहले मोहल्ला का भी यही कहना है कि ये तवाइफ का अड्डा है, इधर जिनाकारी करवाई जाती है, काफ़ी दफ़ा जो है वो कंप्लेन थाना में कर चुके हैं मगर अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज ये जो मामला पेश आया है ये भी इन्होंने ही मामला किया है, एक बच्चे का जूते चुराने का मामला था, ये बैठ के भी बात हो सकती थी मगर उन्होंने अपना जोर जमा के हाफज जो इधर इमाम मस्जिद थे, हाफ साहब थे, उनके ऊपर भरपूर तशद्दुद के। अहले मोहल्ला की यही अपील है कि जो इनके साथ ज्यादती की गई है, इमाम मस्जिद है इनके साथ जो ज्यादती की है, अहले मोहल्ला का भी यही कहना है कि इनकी जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की है उनके खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की जाए जी।